हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आदिल सिद्दीकी, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसका नाम है ट्रांजेक्शन ट्रेडर्स। तो गाइस, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है और ये वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडर की। कल मार्केट में स्विंग ट्रेडर के लिए क्या होना चाहिए, क्या पोजीशन लेनी चाहिए नेक्स्ट एक्सपायरी तक के लिए, एंड फिर उसके बाद करते हैं हम लोग डेली एनालिसिस के कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो देख सकते हैं वन डे का टाइम फ्रेम है गाइस, एंड देखते हैं स्विंग ट्रेडर के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो अभी तक तो ये परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी 50, एंड साथ ही साथ जो हम लोगों का सपोर्ट जोन है अराउंड इसी लेवल चल रहा है, ये हम लोग का सपोर्ट जोन है। तो गाइस अभी इसी का वेट कर रहे हैं और मार्केट वैसे काफ़ी नीचे तक तो आ ही रहा है, देखते हैं क्या ये इसको ब्रेक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट का इंतजार करिएगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा, और अदरवाइज इसी के अंदर कंसोलिडेट करता है तो फिर गाइस बहुत मुश्किल है फिर ऊपर जाना। अगर ये इसके अंदर कंसोलिडेट करता है तो फिर ये हम लोगों का ये लेवल हो जाएगा 17800, फिर इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे और एक रिटेस्ट का भी, उसके बाद अपसाइड पे हम लोग चांस लेंगे। एंड इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी 50 सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर भी, कि बैंक निफ्टी के अंदर भी स्विंग ट्रेडिंग क्या हो सकती है और मार्केट किस हद तक नीचे जा सकता है और क्या मूवमेंट कर रहा है। आज तो मार्केट में अगर आप लोगों ने देखा होगा एक रेंज के अंदर था, रेंज बाउंड के अंदर था और एक प्रीमियम डीके ही करा है, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया था शुरुआत में मार्केट में, फिर उसके बाद पूरा प्रीमियम डीके करा था। और बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं प्रॉपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और ये हम लोगों का सपोर्ट जोन है। एग्जैक्ट वही सपोर्ट जोन से एक मिनट सॉरी गलत चीज़ हुई है, तो ये हम लोगों का सपोर्ट जोन है। एग्जैक्ट इसकी सपोर्ट जोन से इसने पूरा रिजेक्शन लिया है और अपसाइड थोड़ा क्लोज कर दिया है 30,000 वन अराउंड। तो देखते हैं क्या ये इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट, फिर इसी पोजिशन में अराउंड एंट्री लेंगे अगर ये ब्रेक करता है। और अगर अपसाइड की बात है तो ऐसा लग रहा है इसमें कॉन्सेंट्रेट करेगा, या फिर आप एक ये जोन आप लोग पकड़ लीजिए और अगर इसको ब्रेक करा तो फिर डेफिनेटली रिटेस्ट के बाद वो न्यू हाई के लिए। अब हम लोग करते हैं 5 मिनट के अंदर बात, के 5 मिनट के अंदर क्या हो सकता है, कल के अंदर क्या होना चाहिए मार्केट के अंदर, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि जो मेरी प्री एनालिसिस वीडियो थी उसके अंदर तो मैंने आपको बताया ही था आज मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, तो अराउंड उसी लेवल तक हुआ है, वहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर गया है। क्योंकि 39,500 अराउंड हम लोगों को एक हैमर भी दिखा था, लेकिन वो हैमर खाली 500 पॉइंट का दिखा, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं दिखा, लेकिन 500 पॉइंट भी बहुत होते हैं गाइस मॉर्निंग के अंदर ही अगर मिल गए हैं हम लोगों को। तो देख सकते हैं ये हैमर का आज ये मार्केट ओपन हुआ अराउंड दिस लेवल, इसका ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद देख सकते हैं यहाँ इसने ये हैमर दिया है, फिर हैमर के बाद डायरेक्ट अराउंड यहाँ तक गया है। तो आज के मार्केट में हैमर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी ने वर्क करा है। और अपसाइड की बात करें तो इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो शूटिंग स्टार जो है, इसके बाद बहुत अच्छा फॉल हुआ है, यहाँ रिटेस्ट करा फिर यहाँ हुआ, फिर इसके बाद मार्केट में एक और चीज़ करी है वो आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ एक डब्ल्यू बनाया गया है, डब्ल्यू का ब्रेक रिटेस्ट, फिर यहाँ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करा फिर यहाँ अप। तो मार्केट आज अच्छी रेंज में रहा है, वो रेंज भी आप लोग देख सकते हैं, एक रेंज हम लोगों की ये है
एंड एक डाउन साइड की रेंज हम लोगों की ये है, इसी रेंज के अंदर पूरा मार्केट वर्क कर रहा था गाइस। और अब हम लोग कल की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है गाइस। तो कल के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो लेवल्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये जोन जो है ये आपका सपोर्ट हो जाएगा एंड ये जोन आपका रेसिस्टेंस जोन हो जाएगा। लिख भी दे रहा हूँ गाइस मैं आप लोगों के लिए। तो गाइस इतनी मेहनत खाली मैं आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, तो एक लाइक शेयर ये सब तो बनता ही है। रेसिस्टेंस सॉरी रेसिस्टेंस 41.40, सपोर्ट की बात करते हैं 39, क्या है 39 39 ये आपका सपोर्ट हो जाएगा गाइस। ओके एंड कल के लिए भी हम लोग देख लेते हैं किस साइड जा सकता है। अगर इसी रेंज के अंदर मूव करता है तो गैस कोई भी पोजीशन मत लीजिएगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो रिटेस्ट का वेट करिएगा और अपसाइड जा सकता है। और अगर एक और चीज़ हो सकती है, ब्रेक करने के बाद यहाँ से स्विंग लेकर दोबारा ये यहाँ आ सकता है, तो यहाँ प्रॉफिट बुक करिए। अगर इसको ब्रेक करता है या गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ स्विंग के बाद एक यहाँ हाई दे सकता है। एक तो ये पॉसिबल चांसेस है जैसा कि कल होना चाहिए। और हम लोग एक टारगेट देख लेते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं इसके अंदर। ये लेवल गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, और कल नई एक स्क्रिप्ट ओपनिंग है और देखते हैं फिर उसके बाद हम लोगों को न्यू हाइस न्यू लोस भी दिख सकते हैं और न्यू टारगेट भी दिख सकते हैं। एंड इसी तरह हम लोग निफ्टी 50 की भी बात कर लेते हैं। सॉरी गाइस निफ्टी की बात करते हैं तो इसके लिए जो सपोर्ट जोन हो जाएगा वो हम लोगों का, ये हम लोग का सपोर्ट जोन हो गया है ये लेवल, एंड सॉरी वो रेसिस्टेंस हो गया था एंड ये जोन सपोर्ट जोन हो गया है। जब लोगों का सपोर्ट है 17530, रेसिस्टेंस सॉरी रेसिस्टेंस 17530, सपोर्ट 17499। और इसके बीच में अगर कंसोलिडेट करते तो गाइस ट्रेड मत करिएगा, इसको ब्रेक रिटेस्ट का इंतजार, फिर जो इसका ये है इसको ब्रेक होने का आप लोग इंतजार करिएगा। जब ब्रेक हो जाए तो फिर आप एंट्री करिएगा न्यू हाई, एंड इसको ब्रेक फिर रिटेस्ट का वेट करिएगा। ऐसा नहीं यहाँ से स्विंग भी हो सकता है, अगर रिटेस्ट में दोबारा ब्रेक करता है तो फिर आप लोग एंट्री करिएगा न्यू लो, या फिर अगर इसको ये ब्रेक करता है ये जोन को एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, तो फिर हो सकता है इसके बाद स्विंग फिर यहाँ से पूरा पुल बैक लेके पूरा हाई को ब्रेक करके अपसाइड, एक ये चांसेस हो सकते हैं। वैसे ये चांसेस ज़्यादा है यहाँ से ब्रेक स्विंग फिर न्यू हाई, तो ये चांसेस ज़्यादा है गाइस। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा,
एंड ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।